देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी गोरखपुर और महाराजगंज के दौरे पर हैं। दोनों ही जगहों पर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, साथ ही पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, उनका दुख दर्द साझा किया, खुद अपने हाथ से राहत सामग्री सौंपी और भरोसा दिया कि हर संकट में सरकार उनके साथ खड़ी है। बाढ़ आपदा में हुए उन्हें हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। सहायक शिक्षक आरक्षण भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को चिताया है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण के घोटाले के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। इस दौरान सुनवाई में पीड़ित पक्ष के वकील ने दावा किया कि कुल 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को चिताते हुए सुनवाई करने की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, 19,000 पदों पर भर्ती शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी नंदनी, अभी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जिसके जस्टिस जो है पंकज भाटिया थे, वहां पे 69,000 सहायक शिक्षक आरक्षण भर्ती घोटाला के मामले में कल सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष के वकील सुदीप सेठ और सरकारी वकील जो है मिस्टर बसीन वहाँ पे उपस्थित रहे। तो ये जो 69,000 का जो मामला है, इसमें पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि इसमें कुल टोटल 19,000 पदों पे घोटाले आरक्षण के घोटाला हुआ है, जबकि सरकार भी ये मानती है कि 6,800 पदों पे ही आरक्षण घोटाला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के वकील ने एक फैक्ट शेयर करते हुए चीफ जस्टिस के सामने कहा है कि कोई भी अगर चयन प्रक्रिया होती है तो एक मूल चयन सूची बना के भर्ती पूरी की जाती है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जिलों की आवंटन सूची बनाई गई थी, उस हिसाब से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया था, जिसके बाद से अभ्यर्थियों की गुणांक कैटेगरी सब कैटेगरी को बेहद आसानी से छुपा लिया गया था। वहीं अगर आरक्षण की बात करें तो ओबीसी वर्ग को मिलने वाले कुल 27% आरक्षण में से उन्हें मात्र 3.8% आरक्षण ही प्राप्त हुआ, जबकि 80 वर्ग को कुल 21% आरक्षण मिलता है तो उन्हें 16.2% आरक्षण ही प्राप्त हुआ। पीड़ित पक्ष के वकील सुदीप सेठ ने कहा है कि सरकार भी ये मानती है कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन वह सिर्फ 6,800 पदों देकर ही इसका निपटारा करना चाहती है, लेकिन यहाँ बात कुल 19,000 पदों की है। वहीं सरकारी वकील मिस्टर बसीन ने सरकार की तरफ से कोई हलफनामा नहीं पेश किया, कोई पक्ष नहीं रखा, वो सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई को आगे देखते रहे। नंदनी, बड़ी बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस पंकज भाटिया ने सरकारी पक्ष के वकील को यह कहकर चेताया है कि ये जो अभ्यर्थी कोर्ट में आए हैं, जो न्याय मांग रहे हैं, सरकार अपनी स्थिति जो है इस घोटाला आरक्षण घोटाले पे भर्ती जो है इस पर स्पष्ट करे, अपनी नीयत साफ करे और जिम्मेदारी तय करे कि आखिर कौन जिम्मेदार है, और अपने स्तर से न्याय करने का प्रयास करे। न्याय के लिए हम बैठे ही हैं। तो इस प्रकार जी विवेक, क्या लगता है कि सरकार किस तरह से न्याय करी, क्योंकि ये 19,000 पदों का जो घोटाला हुआ है उसको आरक्षण घोटाला भी बताया जा रहा है? जी 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 जी, ये आरक्षण घोटाला का ही मामला है नंदनी। सरकार ने ये पहले मान चुकी है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से 6,800 पदों की स्वीकृति दी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील ने जो फैक्ट चीफ जस्टिस के सामने, हाईकोर्ट के जस्टिस के सामने दर्शाए हैं, वो कुल 19,000 पदों का है। तो पीड़ित पक्ष 19,000 पदों की मांग कर रही है, जबकि सरकार जो है 6,800 पदों पर टिकी हुई है। इसी पे पंकज भाटिया, जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा है कि जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच रहे हैं वो न्याय के लिए पहुंच रहे हैं, या तो सरकार उन्हें न्याय दे या फिर हाईकोर्ट तय करेगा कि आगे न्याय कैसे करना है। वहीं दूसरी बात अभ्यर्थियों की है, तो हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को देखते हुए अभ्यर्थियों में थोड़ी उम्मीद सी जग गई है। जैसे कि पिछले साल हमने देखा था कि जनवरी 2021 में इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन कर दिया था और भारी मात्रा में लोग वहां पे मौजूद हुए थे। पिछले माह सितंबर में भी इको गार्डन में अभ्यर्थी जमे हुए थे और 2 साल से ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो कोर्ट की कार्रवाई, हाईकोर्ट का रुख देखते हुए अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि दिवाली तक जो है उन्हें काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है और उनकी मांग पूरी हो सकती है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के वकील को कहा है कि 18 अक्टूबर को आप जो है डॉक्यूमेंट पेश करें और 19 अक्टूबर को जो है इस मामले पे रेगुलर सुनवाई की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। देश भर में आज यानी 14 अक्टूबर के पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों आगरा, कानपुर और वाराणसी में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बरेली और गोरखपुर के रेट में तेजी आई है। वहीं लखनऊ के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लखनऊ में शुक्रवार को पेट्रोल 96.62 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.81 रुपये प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल 96.61 और डीजल 89.81 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो आगरा में पेट्रोल 96.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.64 रुपए प्रति लीटर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़ माफ कीजिएगा रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, महंगाई की मार फिर एक बार आम जनता सह रही है, डीजल और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है। अभी ये 14 अक्टूबर को आज जो है नया रेट जारी हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो कुछ प्रमुख शहर हैं उनमें दामों की वृद्धि हुई है, कुछ जगह पे नहीं हुई। जैसे यूपी के प्रमुख शहर आपके आगरा, कानपुर और वाराणसी में पेट्रोल के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं, नहीं बढ़े हैं। और माफ कीजिएगा, और जो लखनऊ शहर है, लखनऊ में दाम में कोई कमी नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का हवाई भ्रमण कर जायजा ले रहे हैं, वहीं अंबेडकर नगर में जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए क्या इंतजाम है, इसके लिए प्राइम टीवी ने बाढ़ पीड़ितों जमीनी हकीकत जानने पहुंचे। दरअसल बेमौसम हुई बरसात से घाघरा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी चपेट में दर्जन भर से अधिक गाँव जलमग्न हो गए, जिसमें मजदूरों का रोजगार बंद हो गया है तो किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। किसी के घर में पानी घुस गया है, लगातार खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर के चलते कटान भी शुरू है। वहीं बाढ़ पीड़ितों से प्राइम टीवी ने बात की और उनकी समस्या जानी। दवा वगैरह क्या आप लोगों को मिली? कुछ नहीं, कोनो सोचना नहीं मिला। मवेशियों के लिए कुछ चारा शासन प्रशासन द्वारा? कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोग को सरकारी सुविधा कोई नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला। ना कोई कर्मचारी आया? कौन सा ग्राम सभा है? प्रधान जी भी नहीं आए? हमारा है गांव में बहुत पानी बढ़ चुका है, कोई प्रशासन और कोई अधिकारी कोई नहीं यहां पर आया है, और सभी लोग मतलब भूखे से ही मर रहे हैं। काफ़ी लोग का जानवर भी बह गए हैं, और यहां भी जानवर बह गए, इनका नुकसान हुआ है, गेहूँ मतलब धान भी बह गया है, और गाँव में कोई भी प्रशासन कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया है। बेमौसम अक्टूबर में बारिश लोगों के लिए कहर लगातार बरपा रहा है। हम बात कर रहे हैं घाघरा नदी की, जो इस समय टांडा के मुबारकपुर में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 6 में खड़े हैं। यहाँ का हम कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे वो नज़ारा दिखाएं कि आखिर किस तरीके से घाघरा नदी आसपास के तराई इलाकों को अपने चपेट में ले लिया है। लोगों का आवागमन तो कई लोगों के घर में भी पानी घुस चुका है, कई लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा जो राहत सामग्री या फिर दवा वितरण का फोटो खिंचवा कर शासन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है, इसकी वानगी देखने को हर जगह मिली। आज प्राइम टीवी न्यूज़ चैनल की टीम जो है इसी मुहिम पर निकली थी। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। आखिर ये बताइए, यहाँ के
प्रशासन अधिकारी आए क्या कुछ उन्होंने आप लोगों को बताया? नहीं कुछ बताया नहीं, बस खाली थे घर, खाली कर स्कूल में रहो और कुछ नहीं कहे। जैसे मवेशियों के लिए भूसा चूनी चोकर की क्या कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमें कुछ दिया जाए भाई, क्या चाहिए पता नहीं, लगी घर में पुरानी वक्त जगह नहीं लग सकता है, खाना पीने के लिए दिक्कत हो रही है और कटान लग गया, बिल्कुल पड़ चुका है, मजबूर कटान लग गया एकदम, अंदर जाने की जल्दी नहीं बचा है। क्या मांग है आपकी? हमें मांग है ठोकर बड़ी लगाया जाए, गर्मी के बाद सूचित किया जाए। मांग लगातार तीन बैराजों से 7.30 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने से घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आसपास के इलाके, जो तराई इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वो सटे हुए हैं, जलमग्न हो गए हैं। और हम कैमरा पर्सन से ये भी कहना चाहेंगे, जरा जूम करके वो पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाएं, आखिर किस तरीके लोग पानी में आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई के घरों में पानी घुस चुका है और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं हमेशा खतरा बना हुआ है। घर भी गिरने के कागार पर हो चुका है, कटान भी शुरू है। और ऐसे में शासन प्रशासन पहले ही अगर सचेत रहा होता, बंधक टाइप में कुछ बना होता, तो शायद इससे कुछ राहत मिलता। राहुल पांडे, प्राइम टीवी न्यूज चैनल, अम्बेडकर। हिजाब विवाद पर कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब पर पाबंदी हटने से माहौल बिगड़ेगा और आवारगी बढ़ेगी। हिजाब पर गुरुवार को कोर्ट के जजों ने अपनी अलग अलग राय दी है। इसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वहीं हिजाब विवाद को लेकर संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह मामला मजहबी और इस्लाम का मामला है। इस्लाम धर्म में जवान बेटियों और महिलाओं को बेपर्दा रहने की अनुमति नहीं है। बेपर्दा होकर महिलाएं और जवान बेटियां बाजारों और गलियों में जाती हैं, इससे माहौल बिगड़ता है और आवारगी बढ़ती है। सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा कि अगर आज इस पर पाबंदी लगाई जाती है तो इससे न सिर्फ समाज को बल्कि इस्लाम को भी नुकसान होगा। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सही फैसला देगा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, उनको जेल नहीं भेजा गया आज तक, और वो अपनी जगह पर है जी। तो मतलब ये है कि अरे इन चीज़ों पर देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पर सही होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी सही होगी और लोगों को अपने काम करने में आज़ादी होगी, तभी तो मुल्क तरक्की करेगा। आज मुल्क हमारा तबाह और बर्बाद हो रहा है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां बाढ़ के कहर से जूझ रहे परिवारों को करवा चौथ पूजन सामग्री का वितरण बिस्वा तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह ने समाज सेवी मोहित जायसवाल व शरद चौधरी के सहयोग से किया। पूजन सामग्री पाकर पीड़ित महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली, तो वहीं हर कोई समाज सेवियों द्वारा किए गए इस नेक कार्य की सराहना कर रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना सिहानी गेट क्षेत्र के पुराने बस अड्डे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बस अड्डे चौराहे पर स्थित ऑटो स्टैंड के आसपास खड़े कुछ लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से लोग आपस में एक दूसरे पर जमकर लाते घूसे बरसा रहे हैं। साथ ही वीडियो में देखने को मिल रहा है कि आसपास खड़े लोग झगड़े को रोकने का प्रयास तक नहीं करते हैं। क्षेत्राधिकारी सिहानी गेट आलोक दुबे का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। वीडियो पुरानी बस अड्डे का बताया जा रहा है। लड़ाई करने वाले लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो पुराना बस अड्डा का बताया जा रहा है। लड़ाई करने वाले व्यक्तियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं तथा घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
खबर लखीमपुर से है, जहां गुरुवार सुबह लखनऊ मंडल के आयुक्त एन रोशन जैकब औचक रूप से जनपद खीरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने न केवल अफसरों से बाढ़ से प्रभावित तहसीलों एवं उनके प्रभावित व्यक्ति को दी जाने वाली राहत सामग्री की समीक्षा की। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह के संग तहसील लखीमपुर एवं ब्लॉक फुलबेहड़ के बाढ़ ग्रस्तों ग्रामों में जा पहुंची, जहां उन्होंने ट्रैक्टर व मोटर बोट के जरिए प्रभावित गांवों तक पहुंचकर उनका दुख दर्द जाना व मिलने की वाली सुविधाओं की पड़ताल भी की। जो गांव हैं जो कि पानी से गिरे हैं, तो राहत कार्य का समीक्षा करने आए थे। तो एक तो है कि सभी जगहों पे सभी पूर्वों में घरों में खाना बटा है, तो वो प्रशासन अच्छा कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे दवाओं के लिए यहाँ चौकी लगी है, मगर निर्देश दिया गया है कि अंदर दवा की पैकेट्स बांटे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके अलावा जैसे पानी उतरेंगे तो गाँव में ब्लीचिंग डालना, क्लोरिन टैबलेट्स वितरण करना और स्वास्थ्य का शिविर लगना ये ज़रूरी है। और 5-6 दिन से इनके यहाँ बत्ती नहीं था, तो बिजली की सप्लाई आज से ही फिर से कराने के लिए कहा गया है। खबर बदायूं से है, जहां नगर पंचायत अलापुर के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फहमुद्दीन को कस्बे में भरपूर समर्थन मिला, जहां सभी धर्म के लोगों ने फहमुद्दीन का समर्थन किया। वहीं कस्बे के लोगों ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फहमुद्दीन का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही पंचायत अलापुर के अध्यक्ष कस्बे की जनता ने फहमुद्दीन के साथ कस्बे में घूमकर वोट मांगे और कहा कि इस बार नगर पंचायत अलापुर का अध्यक्ष बनाकर देखो, कस्बे में विकास होगा। खबर संभल से है, जहां असमोली क्षेत्र में निजी अस्पताल में प्रसव के बाद इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर चिकित्सक ने महिला को रेफर कर दिया। परिजनों के इलाज के लिए ले जाते समय महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। महिला की मौत से गुस्साए परिजन शव लेकर फिर से अस्पताल पहुंचे और वहां हंगामा किया, अस्पताल में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने महिला के परिजनों को शांत किया और मामले की जाँच में जुट गई है। गोंडा के कलंदर जोत गांव में पहाड़ों का पानी आने से कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे गांव में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से 30 घर पलायन करने को मजबूर हो गए। तो वहीं गांव में पानी भर जाने से घरों के कभी भी गिर जाने का खतरा बना हुआ है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, किसी तरह अपना और अपना परिवार के बचाने को लगे हैं। पलायन करने वाले परिवारों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बाढ़ से पीड़ित लोगों की समस्या जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम आज गोंडा मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर के दूरी पर आई है। मुजहना ब्लॉक के कलंदर जोत में आ पहुंची है। हम इनकी समस्याएं जानेंगे और बाढ़ से कितना ये इनको प्रशासन से सुविधा मिला, क्या व्यवस्था मिला, ये जानकारी जानेंगे और चर्चा करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? तजम्मुल। तजम्मुल जी, क्या समस्याएं हैं बाढ़ से? बाढ़ से हम लोग परेशान, हम बाहर निकले हैं साहब। हम लोगों ने एक पल्ली जो है सरकार के तरफ से मिला है, अब खाने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। खाने के लिए व्यवस्था हो जाए बस, और बाकी तो देखा जाएगा जो कुछ आएगा क्या करेंगे। मकान आपका डूब गया? सब डूबा हुआ है। खाने की सामग्री? बस खाने को वही एक व्यवस्था करवाए दी जाए किसी हिसाब से सरकार से, और कुछ नहीं। जी 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 जी, हमारे बगल में एक चच्ची खड़ी है, आपसे भी जानकारी करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और बाढ़ से कितना परेशान है, प्रशासन से क्या सुविधा मुहैया कराया गया और कैसे क्या है। चची, क्या नाम है आपका? नाजिमा। कहाँ रहने वाली हैं? सुंदर घाट। सुंदर घाट कलंदरा? हाँ भैया। अच्छा, बाढ़ से क्या समस्या है? बाढ़ से बहुत भारी समस्या हो गया भैया, सब घर डूब गवा। अच्छा, देवाल के मकान के देवाल फट गवा है, बच्चन का लेके बाहर भागन है, और एक एक पल्ली मिला है, और कुछ अभी व्यवस्था खाने पीने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। जी 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 जी, तो सरकार से क्या चाहती हैं आप, प्रशासन से क्या उम्मीद है? खाने पीने का व्यवस्था हो जाए भैया, और टूटा मकान है उसका कुछ व्यवस्था हो जाए। जी जी, इसी क्रम में हमारे बगल में एक भाई साहब खड़े हुए हैं, नवयुवक हैं, आइए और हम इनसे जानकारी करेंगे कि इनकी क्या समस्या है, क्या सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं, क्या आप इच्छा है। क्या नाम है भाई साहब? सुड्डू। सुड्डू कहाँ रहने वाले हैं? सुंदर घाट कलंदर जोत। अच्छा, क्या समस्या है बाढ़ से, क्या आप इच्छा है सरकार से?
यहाँ से तो बहुत समस्या है सर जी, यहाँ पर बाढ़ आ चुका है और बाढ़ आने की वजह से घर कुरिया सब कुछ बूड़ गया है। उसके बाद में खाने पीने का सामान भी डूब चुका है। बाल बच्चों को लेकर सब लोग रोड पे आ चुके हैं यहाँ पर जंगल में, और बहुत चीज़ की समस्या है। सरकार की तरफ से एक पल्ली मिला हुआ है, रहने का जगह नहीं है, हम लोग को जंगल में पड़े हुए हैं। कितने परिवार हैं? हमें 11 परिवार, 30 घर और अच्छा गांव है, पूरा गांव हम लोग आ गए हैं जंगल में। हर चीज़ का दिक्कत है, सिर्फ एक पल्ली मिला है खाने पीने का, हर चीज़ का दिक्कत है, काम कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जहाँ धरातल स्थिति पे कि कैमरा पर्सन से कहें जो है निवेदन करेंगे कि दिखाएं, इधर जिस तरह से ये सब पल्ली मिली है, बाढ़ पीड़ितों को परेशान है, जिस तरह से एक तंबू तान करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत दुखद है। ये सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अगर मुझे एक पल्ली मिली है तो उसके साथ थोड़ा बहुत जीने खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए अनाज की व्यवस्था करवा दी जाए, आगे की व्यवस्था जैसे है उसे में गुजारिश कर लेंगे। गोंडा से प्राइम टीवी के लिए खेमराज मिश्रा। संभल के गुमसानी में लंपी बीमारी की चपेट में आए एक की मौत की सूचना मिलने पर पहुंचे जिला अध्यक्ष करणी सेना ठाकुर ऋतिक राजपूत ने जेसीबी बुलाकर सांड को उठवाया और गड्ढा कर दफनाया। रीति राजपूत ने बताया कि बहुत समय से बीमार था और लंपी बीमारी से पीड़ित था, उसकी मौत हो गई। अभी भी गांव में बहुत से ऐसे पशु हैं जो लंपी की चपेट में है और इधर उधर फिर रहे हैं, जिससे गाँव में और भी पशुओं को खतरा है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां क्षेत्र के दौरे पर निकले थाना प्रभारी की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि गाड़ी में सवार अन्य दो और सिपाहियों की मामूली चोटें आई हैं, जबकि थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो वहीं आनंद फानन घायल चालक सिपाही को इलाज के लिए CSC बिस्वा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल सिपाही को वापस थाने भेज दिया गया है। बता दें कि खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां क्षेत्र के दौरे पर निकले थाना प्रभारी की गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। सवार उस गाड़ी में दो और अन्य सिपाही सवार थे, जिसको मामूली चोटें आई हैं। प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो वहीं आनंद फानन ने घायल चालक सिपाही को इलाज के लिए CSC बिस्वा भेजा गया था। प्राथमिक उपचार के बाद घायल सिपाही को वापस थाने भेज दिया गया है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां क्षेत्र के दौरे पर निकले थे थाना प्रभारी, जिसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और वो घायल हो गए। बता दें कि उनके साथ दो और प्रभारी मौजूद थे, लेकिन उन्हें मामूली सी चोटें आई हैं। बता दें वही आनंद फानन में घायल चालक सिपाही को इलाज के लिए CSC बिस्वा भेजा गया था। प्रभारी की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, लेकिन बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि गाड़ी में सवार अन्य दो और सिपाहियों को मामूली चोटें आईं, जबकि थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो वहीं आनंद फानल घायल चालक सिपाही को इलाज के लिए CSC बिस्वा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल सिपाही को वापस थाने भेज दिया गया है। खबर गोंडा से है, जहां लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से बाबागंज के लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं चोरों ने एक बार फिर से ज्वेलरी की दुकान से लाखों रुपए की कीमती सामान चुरा फरार हो गए। इलाके के लोगों ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं।
कुमार है, सनाब रामलाल या चौराहा का निवासी हूँ। मेरे यहाँ बीती रात कुछ चोरों ने मेरा खिड़की का दरवाजा तोड़ करके और कुछ सामान जेवर और नकदी उठा ले गए हैं, लगभग 2 लाख रुपए का। इसीलिए मैं थाने पर दरखास्त देने आया हूँ। क्या नाम है? आया चौराहा से चोरी हो गया है आज रात को। उसके बाद फ़ोन किया गया, तब जानकारी हुई कि क्या नाम है आपकी दुकान पे चोरी हो गया है। तब आया मैं, आया हूँ सुबह 7 बजे। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, तब पुलिस 9 बजे आई है। मैं अमरनाथ दुबे, पुत्र बैजनाथ दुबे, निवासी चुहारपुर। मेरी दुकान आया चौराहे पे है, जिसमें बीती रात मैं घर चला गया तो रात को शटर तोड़ के चोरी की गई, जिसमें 800 का नकदी ले गए। पुलिस को मौके तौर पर सूचना दी गई, उन्होंने आके जांच पड़ताल की। सीतापुर के खैराबाद कस्बे में बारिश के मौसम में सड़क तालाब पर बनी हुई नजर आ रही। बता दें कि इन दिनों हुई मूसलाधार बारिश से नगर पालिका खैराबाद की पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में सदर एसडीएम ने मौके का मुआयना किया था, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर इंजन के माध्यम से पानी निकाला गया था, लेकिन समस्या का कोई उपाय नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।